जस्ट गिव मी वन सेकेंड. ओके सो हियर व्हाट इज द रैशनल नंबर. ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए. पी और क्यू आपके कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव ले लो, चाहे वो पॉजिटिव ले लो, चाहे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लो, चाहे जीरो ऊपर लिखो नीचे कोई भी इंटीजर हो. ये इंटीजर या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. कल ही बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो. ठीक है, सो पी और क्यू आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स. यहाँ तक सबको ठीक है दोनों को? यस मैम. ओके गुड. नाउ एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एवरी इंटीजर, इंटीजर रिप्रेजेंट बाय जेड इज रैशनल नंबर. ठीक है, सॉरी एवरी नेचुरल नंबर, सॉरी एवरी, कल जो पढ़ा था एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंट बाय क्यू. कल हमने पढ़ा था, ये स्टेटमेंट ट्रू किया था कि एवरी नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर है, लेकिन एवरी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है. ये कल हमने पढ़ा था, आपने देखा घर पे? यस देरिया तीर्थ. यस मैम देखा था. हाँ तो कल हमने क्या किया था, एवरी सभी नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स तो होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते. ये स्टेटमेंट फॉल्स था. सेकेंड मैंने आपको बोला था अभी चेक करना, एवरी सेकेंड क्या है, होल नंबर. एवरी होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, यस, पर सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं. स्टेटमेंट फॉल्स. पहला देखो, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर. कैसे, होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर एंड इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं. ओके यहाँ पे देखो, फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, ये हम ट्रू कर रहे हैं. ठीक है, कैसे हो रहा है, होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर एंड कितने भी हो सकते हैं. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये होल नंबर्स है वो रैशनल नंबर होते हैं या नहीं होते. ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाए. ठीक है, तो अब इन होल नंबर्स को मैं रैशनल नंबर में लिख सकती हूँ, वो हमें देखना है, वो हमें ट्रू करना है. क्या कह रहा है, ये होल नंबर को मैं रैशनल नंबर में लिख सकती हूँ, यस आई कैन राइट. आप लिखो पी की जगह जीरो, क्यू की जगह वन, क्यू आपका कभी जीरो नहीं होगा, बाकी सब कुछ लिख सकते हो आप यहाँ पे. ठीक है, क्यू की जगह आप वन भी लिख सकते हो, माइनस वन से लिख सकते हो, लेकिन जीरो नहीं लिख सकते. अब P की जगह रख दो 1, Q की जगह रख दो 1, फिर रखो 2, Q की जगह रख दो 1, फिर रख दो 3, Q की जगह 1, 4 और 1. Why I am writing 1? मैं हमेशा 1 ही क्यों लिख रही हूँ? ये आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि मैम यहाँ पर Q पे ओनली 1 ही क्यों लिख रहे हैं. ठीक है, अब आप देखो होल नंबर की बात कर रहे हैं. ठीक है, होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर, एक तरह से नंबर्स ही हैं ये. ना ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ना इसमें कोई नेगेटिव नंबर है, ना कोई ये फ्रैक्शन है, ये सिंपल नंबर है. जीरो वन टू थ्री फोर आर कॉल्ड होल नंबर्स. तो क्या मैं इनको ऐसे लिखूं तो कोई फर्क पड़ रहा है, क्या मैं इन होल नंबर्स को ऐसे लिख दूं तो कोई भी फर्क पड़ रहा है इनकी वैल्यूज में, जीरो के वन टू थ्री फोर, किसी में कोई चेंजेस आ रहा है? Tell me,
नहीं आएगा ना, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करो या फिर उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखो, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आप अगर 1 लिखते हो तो देयर इज नो चेंजेस इन देयर वैल्यू। ये चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, मान लीजिए आपको ऐसा कोई नंबर गिवन हो 1 और 3/4, आपको दो रैशनल नंबर गिवन हो 1 और 3/4, तो इस 1 के नीचे मैं 1 लिखूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में, तो मैं इसको 1/1 लिख सकती हूँ, 1 से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ देखो 3 है और 4/7 है, ठीक है, दो नंबर है 3 और 4/7, तो मैं 3 को 3/1 लिखूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, इस 3 को मैं 3/1 लिखूं, कोई चेंजेस आ रहा है? नो मैम। क्यों नहीं आ रहा है? देखो 3 तो आपका होल नंबर है और 3/1 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, जैसे ही मैंने इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया तो ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये तो यही मैंने 6 देखा, मैंने 6 3/1 देखा, ऊपर वाला 3 देखना भूल गया। ऐसा मत करो यार प्लीज, यहाँ पढ़ाई हो रही है, मजाक नहीं हो रहा। ओके, सो कहने का मतलब है कि सारे होल्स नंबर को मैं ऐसे P/Q के फॉर्म में लिख सकती हूँ, कब, जब उसके डिनोमिनेटर क्या हो, 1 हो। तो यस वी कैन राइट, वी कैन से एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज we can write every whole number in form of rational numbers. Clear है ये? ये चीज clear हो गई? Yes ma'am, yes ma'am. Deria? Yes ma'am. Okay, जब भी मैं पूछूँ please give me answer. Yes ma'am. ठीक है? इसका conversely. Yes ma'am. ये साथ में लिखते जाना, हाँ समझाने के लिए बता रही हो, ये आपको confuse करेगा नहीं तो. Statement सारे लिखते जाना अपने language में. कन्वर्सली मिटा दूं? समझ में आ रहा है ना, ऐसा जबरदस्ती का नहीं है कि नहीं मैम पढ़ा रही है, हम पढ़ रहे हैं, आ रहा है, फिर जब घर पे जाके देखोगे, खोल के देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चीज़ों को समझो, मैथमेटिक्स इज नॉट फॉर कि आप हिंदी पढ़ रहे हो और उसमें रट लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है, इसमें सारी चीज़ें लॉजिक से चलती है। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद रखनी होती है, लेकिन मैक्सिमम यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या लॉजिक्स हैं, क्या इसमें ट्रिक्स लगी है या फिर क्या फॉर्मूले हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ओके, इसलिए मैं इतना ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इसलिए मैंने आपको समझाया कि एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। इसका कन्वर्स करूँ अगर मैं, इसका कन्वर्स का मतलब अपोजिट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब मैंने इसका उल्टा कर दिया, अब देखो क्यू क्या होता है, P/Q, और W क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्या मैं रैशनल नंबर को होल नंबर लिख सकती हूँ, क्या मैं रैशनल नंबर्स को होल नंबर में लिख सकती हूँ? नो मैम। क्यों नहीं लिख सकती? Why? Give me reason. नहीं लिख सकते, that is true. पर क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर होते ही वो है जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाए। ठीक है? Why? बिकॉज रैशनल नंबर तो उनकी आइडेंटिफिकेशन ही हुई है, उनकी पहचान ही यही है कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वही रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई हम रैशनल नंबर को होल नंबर में नहीं लिख सकते, लेकिन यस हम होल नंबर को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। अब चीज समझ में आई? अब समझ में आया कि हम रैशनल नंबर्स को होल नंबर में, यस 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 देरिया, आप लिख सकते हो वी कांट एक्सप्रेस रैशनल नंबर इनटू होल नंबर।
ठीक है, ये इसका रीजन हो गया. वी कांट एक्सप्रेस क्यू यानी रैशनल नंबर इन टू होल नंबर्स, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ब्रैकेट में आपको लिखना है फॉल्स, जहां ट्रू है वहां ट्रू, जहां फॉल्स है वहां पे फॉल्स. ओके, गेट इट? यहां तक क्लियर है? यस मैम, क्लियर है. देर या? यस मैम, यस मैम. ओके, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े. मैं अगेन आपसे बोल रही हूँ, जबरदस्ती का हाँ मत बोलना कि मैम के सामने कैसे बोले. समझ अभी तो यहाँ समझ में आ रहा है, बाद में जब खोल के देखेंगे समझ में नहीं आएगा. ये आपको रिवीजन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा. मैं कितना भी एक्सप्लेन कर दूँ और अगर आप उसको नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा. अगेन इन केस ऑफ इंटीजर, एवरी इंटीजर, अब हम इंटीजर को लेके चल रहे हैं, ठीक है. एवरी इंटीजर, इंटीजर को कैसे लिखते हैं, जेड से, इज अ रैशनल नंबर. ये क्या बोल रहा है, क्या एवरी इंटीजर रैशनल नंबर है? देखो हमने नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, नाउ वी कम एट इंटीजर्स. थर्ड नंबर क्या है हमारे, इंटीजर. तो क्या एवरी इंटीजर रैशनल नंबर है? नाउ वी चेक व्हाट इज द इंटीजर. नेगेटिव नंबर, कोई भी दो नेगेटिव नंबर ले लो, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये होते हैं इंटीजर्स. नेगेटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर, इन सबका कॉम्बिनेशन क्या होता है, इंटीजर. और रैशनल नंबर, वन बाय टू, माइनस सिक्स अपॉन सेवन, माइनस एट बाय टू, एनी नंबर, ठीक है, इंटीजर्स ले सकते हो आप. अब देखो यहाँ पे, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. अब मैं इन इंटीजर्स को, ये इंटीजर्स क्या है, माइनस टू, माइनस थ्री, जीरो, टू, थ्री, ठीक है. इनके नीचे मैं अगर वन लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? टेल मी, इन इंटीजर्स के नीचे डिनोमिनेटर में मैंने वन लगा दिया क्योंकि मुझे इस z को q के फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने अभी w वाले में किया था पहले, ठीक है. सो वी कैन राइट एवरी इंटीजर इन दिस फॉर्म. इनके डिनोमिनेटर में मैंने 1 लगा दिया, क्या कोई फर्क पड़ रहा है ऊपर वाली वैल्यूज में? गिव मी आंसर. देरिया नहीं पड़ता, आप रिप्लाई क्यों नहीं देते यार, प्लीज गिव मी रिप्लाई. मुझे नहीं समझ में आएगा ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो मैं क्या कह रही हूँ, ये इंटीजर्स हैं माइनस टू, माइनस थ्री, जीरो, टू और थ्री, और इन सबके नीचे मैंने वन लिख दिया, कोई फर्क नहीं हुआ. और ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिख, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है. यहाँ पर पी क्या है, माइनस टू क्यू वन, पी माइनस थ्री क्यू वन, पी जीरो क्यू वन, पी टू है क्यू वन है, पी थ्री है क्यू वन है. तो यस, हम इन इंटीजर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. कहने का मतलब है कि हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. समझ में आया? यस मैम, आ गया. देरिया समझ में आया? ठीक है, सिंपल सी बात है कि मुझे यहां से यहां जाना है. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं. तो पहले z को लिखा, q को लिखा, अब इस z को मुझे q बनाना है, तो मैंने बना दिया नीचे वन लिख के. तो यस, मैं z को q बना सकती हूँ, अगर ऐसे समझो, इजी लैंग्वेज में समझना है. तो इस z को मैं q बना सकती हूँ, कैसे बना सकती हूँ, वो मैंने ऐसे लिख दिया. तो यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. समझ में आया? यस मैम. ओके, नाउ इसका कन्वर्स, इसका कन्वर्ट्स कर दूं, क्या एवरी इंटीजर को, रैशनल नंबर को मैं इंटीजर कह सकती हूँ? क्या मैं एवरी रैशनल नंबर को इंटीजर बना सकती हूँ? तो फॉल्स. क्यों नहीं बना सकती? क्यू क्या होता है, पी अपॉन क्यू, और जेड क्या होता है, माइनस टू, माइनस थ्री, जीरो, टू, थ्री, ठीक है. क्या पी अपॉन क्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ? अभी मैंने बताया था होल नंबर वाले केस में,
क्या मैं इस क्यू को ऐसे लिख सकती हूँ नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स में? ये नॉर्मल नंबर्स ही है ना, 0, 2, 3, -2, -3। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या मैं इस रैशनल नंबर्स, ये क्या है 1/3, 2/3, एनी वन, क्या मैं इस क्यू को ऐसे फॉर्म में लिख सकती हूँ? इस क्यू पी को क्यों नहीं लिख सकते हैं? Why? Give me reason why. वेरी गुड, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में ही आते हैं, दैट्स वाई वी कांट राइट रैशनल नंबर इन अ इंटीजर फॉर्म. सो वी कैन राइट, वी कांट एक्सप्रेस q as a integer. ठीक है, we can't express q as a integer. So the statement is, अरे सॉरी, यहाँ पे ऊपर लिखना है आपको फॉल्स. ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हो गया ये? हो जाए तो मुझे बोल देना. हो गया. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, और इसको इजी करते हैं थोड़ा समझने के लिए, और आपको आसान हो जाएगा चीजें समझने के लिए, याद रखने के लिए. इस वेन डायग्राम को देखना ध्यान से, ठीक है? अब देखो इसको, देखना मैं क्या कर रही हूँ. ये n है नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये z नंबर, ये q नंबर. अब जैसे जैसे आप बाहर आ रहे हो, इस n से बाहर आए w में, इससे यहाँ पे जंप किया, देखो ऐसे, इस n से आप आए w में, इस w से आप आए z में, और इस z से आप आए रैशनल नंबर में. ये हुआ, सबसे पहले आपने n बनाया, फिर n से w बनाया, w से z बनाया, z से q बनाया. कहने का मतलब है कि आप ऐसे तो आ सकते हो, कैसे, आप यहाँ से तो जंप कर सकते हो ऐसे, लेकिन आप रिटर्न नहीं जा सकते. ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, आप सीधा तो आ सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने जंप कराया, लेकिन आप रिवर्स नहीं जा सकते. अब कैसे नहीं जा सकते, वही जो स्टेटमेंट सारे जो मैंने लिखा है, 6 स्टेटमेंट लिखा है मैंने, नेचुरल नंबर के 2, होल नंबर के 2 और इंटीजर के 2, टोटल 6 हुए. आपने 6 स्टेटमेंट राइट डाउन किए ना बुक में? यस, टेल मी, मैंने 6 स्टेटमेंट लिखा है आपको. यस मैम. ओके, सो मैं क्या कहना चाह रही, इस डायग्राम से आपको और इजी हो जाएगा याद रखने के लिए. मैं यहाँ से तो ऐसे जंप कर सकती हूँ, मैं बाहर तो निकल सकती हूँ, कैसे, n से मैं w में गई, w से मैं z में गई, z से मैं q में गई, लेकिन मैं अंदर नहीं आ सकती वापस. क्यों? अब इसको समझो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. दीदी आप, यस दीदी, आप q से z पे भी नहीं आ सकते? क्या बोल रहे हो आप? बाहर से अंदर नहीं आ सकते? यस, आप बाहर तो आ सकते हो लेकिन अंदर नहीं जा सकते. कैसे नहीं, वो देखो, अभी हमने 6 स्टेटमेंट लिखे. पहला स्टेटमेंट क्या था, यहाँ पे देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज राइट. अब इस चीज को यहाँ पे समझना, मैं लिख रही हूँ एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर राइट, बट एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर रॉन्ग. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, बाहर आना इजी है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर. यस, हम जंप कर रहे हैं बाहर की तरफ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, पर मैंने क्या कहा, हम अंदर नहीं जा सकते. एवरी क्यू इज अ एन रॉन्ग, मैं अंदर चली गई ना, जो कि रॉन्ग है. मैं बाहर तो आ सकती हूँ, एन से मैं क्यू पे आ गई, लेकिन मैं क्यू से एन पे नहीं जा रही,
अब आया फंडा समझ में डायग्राम का? यस मैम। यहाँ से इजी हो जाएगा आपको याद रखना, अगर ये डायग्राम याद है तो। एन से मैं क्यू पे आ सकती हूँ लेकिन क्यू से मैं एन पे नहीं जा सकती, तो वही स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यही चीज आप यहाँ देखो जेड के केस में। होल नंबर, इंटीजर और लास्ट में है रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखना W वाले केस में चल रहा है, मैं W से Q पे आ सकती हूँ, कहने का मतलब एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अभी हमने देखा स्टार्टिंग में, यस एवरी होल नंबर मैं W से Q पे आ सकती हूँ लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, आई कांट गो बैक, मैं वापिस नहीं जा सकती। ठीक है, आया लॉजिक समझ में? वेरी इजी, यहाँ से अगर चीज़ याद रख गई ना तो ये स्टेटमेंट भी आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रू है, आई कैन जंप W टू Q, मैं W से Q पे जंप कर सकती हूँ बट आई कांट जंप Q टू W, मैं Q से वापस W पे नहीं जा सकती। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, थर्ड क्या है? यस दीदी, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस अभी हमने देखा, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे देखो जेड से मैं क्यू पे तो आ गई, जेड से मैं क्यू पे तो आ गई जंप करके, लेकिन क्यू से मैं वापस जेड पे नहीं जा सकती, है ना? मेरा कितना इजी हो गया डायग्राम से कि मैं जंप तो कर सकती हूँ, मैं बाहर तो आ सकती हूँ, बस इतना ही याद रखना मैं बाहर आ सकती हूँ लेकिन अंदर वापस नहीं जा सकती। ओके आया समझ में? यस मैम आ गया। ओके यस मैम, गुड, तो ये चीजें क्लियर है ना? अब देखो आपका, आपके पास बुक है ना? बुक है? यस मैम है। ओपन करो पेज नंबर 3, ओपन करो पेज नंबर 3। Quickly open the page number 3, example 1. कर लिया? देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट देखने हैं क्या ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है, पहला आपका एग्जाम्पल का फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग? गिव मी आंसर। यस मैम रॉन्ग है। व्हाई? अगर है तो क्यों है? यस देन व्हाई एंड नो देन व्हाई, दोनों चीजें बताओ मुझे। हम रिवर्स भी जा सकते हैं मैम। वेरी गुड, एंड यस आपका यस किसका जवाब था? यस किसने बोला था? दे रिया आपने? मैंने बोला। हाँ तो व्हाई आपको कंफ्यूजन हुआ ना, मैंने क्या कहा था, हम एन से डब्ल्यू पे जा सकते हैं लेकिन डब्ल्यू से एन पे नहीं आ सकते। अब क्यों नहीं आ सकते वो सारा मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। ठीक है, सो एवरी डब्ल्यू इज एन, सॉरी हम डब्ल्यू से एन पे नहीं आ सकते लेकिन एन से डब्ल्यू पे आ सकते। अब क्यों? देखो रैशनल नंबर वाला तो मैंने आपको सारा बता दिया, रैशनल नंबर के रिलेटेड जो था, रैशनल नंबर इज ए होल नंबर कि नहीं है या नेचुरल नंबर, वो 6 स्टेटमेंट मैंने आपको रैशनल नंबर के रिगार्डिंग लिखा है। ठीक है, जो अभी हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको 6 स्टेटमेंट जो लिखा है वो सारे रैशनल नंबर के रिलेटेड लिखा है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, आपको ये तो समझ में आ गया कि मैं यहाँ से जंप कर सकता हूँ लेकिन यहाँ से नहीं कर सकता, लेकिन क्यों? ऐसा नहीं है ना कि मैम ने बताया डायग्राम बना दिया याद रख लिया हो गया, काम तो हो गया आपका,
आपका आंसर भी आ गया, लेकिन वाई रीजन होने चाहिए हर चीज के, क्यों? देखो होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, इतना ही फर्क है बस। होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? No. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। रीजन क्या है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता है, दैट इज द रीजन। ठीक है, देखो आपके उसमें भी लिख रखा है स्टेटमेंट में नीचे, देखो बुक के अंदर यहाँ पे लिखा है फॉल्स बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। वही मैंने आपको बोला, ठीक है, जीरो है वो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। रीजन क्लियर होने चाहिए, अगेन आई एक्सप्लेन, रटना नहीं है। ये तो मैंने आपको इजी करने के लिए बताया है कि आप यहाँ से तो आंसर तो निकाल लोगे, लेकिन व्हाई रीजन होने चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, होते या नहीं होते? अभी लिखवाया था मैंने, कंडीशन राइट है कि फॉल्स है, कि राइट है? मैम राइट है, राइट, ट्रू है, ट्रू है। रीजन क्या था आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तीसरा है, अब इसका कन्वर्स थर्ड है, देखो एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, इसी का कन्वर्स है थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, इसका कन्वर्स हो गया। देखो मैंने यहाँ लिखा है, आप जब भी पढ़ते हो ना ऐसे स्टेटमेंट बना दिया करो अपने हिसाब से, बुक में नहीं गिवन है, अपने आप को अंडरस्टूड करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट बना दो, जैसे जैसे लिखा है, जैसे जेड क्या था, इंटीजर था, तो क्यू रैशनल था। अब तीसरा स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, ऐसे बना दो ताकि आपको फटाफट समझ में आएगा अपने हिसाब से, ठीक है। सो यस दीदी, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? अभी हमने चेक किया था, अभी जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो मैंने लिखवाया रीजन क्यों नहीं था, समझ में आया था ना तब? अभी जब हमने सेशन स्टार्ट किया उसमें लिखवाया था ना मैंने ये इंटीजर, अभी हमने पढ़ा 10 मिनट पहले ही। यस, ठीक है, चेक करना उसको क्यों नहीं है। सो कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है, देखो जेड से क्यू पे आ रहा है, ठीक है, Z से Q पे आ रहे हैं, लेकिन Q से Z पे नहीं जा सकते, ये राइट रॉन्ग आइडिया है। यहाँ से तो आपका आंसर आ जाएगा राइट एंड रॉन्ग, बट वाई रीजन क्यों, वो रीजन मैंने सारे एक्सप्लेन कर रखे स्टेटमेंट में आपको। सिमिलरली इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 5 खोलिए, ये आपको फाइंड आउट करना है तीनों स्टेटमेंट अपने हिसाब से, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से सॉल्व करना है, रीजन फाइंड आउट करने हैं, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ओके okay? करोगे खुद से? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 ओके, ये आपका होमवर्क है, और मुझे स्टेटमेंट आप सॉल्व करोगे विद डायग्राम, डायग्राम नहीं भी बनाओ तो चलेगा, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, और ट्रू है तो उसका रीजन नीचे लिखोगे, फॉल्स है तो उसका रीजन नीचे लिखोगे, ओके। एंड सेंड मी ऑन माय नंबर, कल यही क्लास से पहले, रात के 8 बजे से पहले मुझे इसका आंसर आना चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, ओके। एरिया एंड पावर तीर्थ, यस मैम। एरिया, Are you getting me? What I'm saying? Okay. So fine. आपको आज का ये जो पढ़ाया है वो सारा रिविजन करना है, समझना है चीज़ों को, नहीं समझ में आता है यू विल टेल मी टुमारो कि मैम मुझे स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, मुझे चीज़ समझ में नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं, ठीक है, ये आपको ट्राई